प्रीतराज ने एक बार में 20 महान लोगों की पेंटिंग बनाई है। ये जो आप देख रहे हैं, देखिए ये पेन जो आप लगा हुआ देख रहे हैं, इसमें ये 20 पेन इसमें लगा हुआ है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रीतराज मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने ये कीर्तिमान हासिल किया है। प्रीतराज, स्वागत है आपका झारखंड टाइम्स में। धन्यवाद सर। तो कैसे ये आइडिया आया कि आपको एक बार में 20 लोगों का पेंटिंग बनाना है? बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं कि मतलब एक हाथ से एक ही चित्र बनाते हैं जी। तो मेरे दिमाग में मतलब आया, बहुत पहले ही से आया था। तो 10 में हम थे तभी, अभी 12th में हैं, प्लस टू जिला कर रहे हैं, 10th में थे तभी। तो तभी एग्ज़ाम आ गया था मेरा, तो इसी वास्ते नहीं कर पाए थे। तो अभी मतलब वही सोचे कि क्यों ना मतलब किया जाए। तो इसी वास्ते सात लकड़ी को जोड़ के और 20 पेन को जोड़ के इसी में, तो फिर ट्राई कर किए। तो कितना टाइम लगा आपको बनाने में 20? इसको बनाने में 4 दिन लगा हमको। अच्छा, किन किन लोगों को आपने बनाया, किस तरह से बनाया, जरा दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये एक ही हाथ से पकड़ के बनाया जी, इस तरह से बनाया जी। और 4 दिन लगा आपको जी। तो आपने ये कहाँ से सीखा है बनाना? ये मैं अपने से सोचा, मैं सीखा मम्मी और पापा से। अच्छा। बचपन में बनाते थे, मम्मी और पापा भी आर्टिस्ट हैं। अच्छा। वो भी बनाते हैं जी। तो उन्हीं से मतलब पहले सीखता था। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि प्रीतराज का पूरा परिवार आर्टिस्ट है। इनके मम्मी पापा भी पेंटिंग बनाते हैं, इनके भाई भी पेंटिंग बनाते हैं। मैं सभी से अलग अलग आपको मिलवाऊंगा। पहले आपको मैं प्रीतराज से इसलिए मिलवाना चाहता हूं कि प्रीतराज ने बहुत बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है, एक बार में 20 महान लोगों की पेंटिंग बनाकर। प्रीतराज, क्या आपका आगे का प्लान है, आगे क्या करना चाहते हैं आप? मेरा तो यही लक्ष्य है कि मतलब मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊं। अच्छा, किस तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे? इसकी कुछ नया करके, अलग। क्या नया, जैसे सोचा है कुछ नया? हाँ, इसकी कोई नहीं कर पाया हो वैसा मैं करके। अच्छा, कोई नहीं जो कर पाया जी। तो सरकार से आपको किस तरह की मदद चाहिए? सरकार अब अपने तरफ से मतलब मदद करे कुछ। ये अवार्ड आपको कहाँ से मिला? ये राष्ट्रीय युवा दिवस हुआ था, वही कॉम्पिटिशन में मिला था। और भी दिखाइए। ये मिला था द्वितीय पुरस्कार हजारीबाग के स्टेडियम में कंपटीशन हुआ था, तो उसी में। ये निर्मल महतो पार्क में कंपटीशन हुआ था एक, तो उसी में मिला था फर्स्ट प्राइज। प्रीतराज अभी बहुत ही कम उम्र के हैं और इन्होंने कई सारे अवार्ड भी जीते हैं और इनका पूरा परिवार ही आर्टिस्ट है।